नमस्कार, आप देख रहे हैं वन तेज, मैं हूं आपके साथ हर्ष। तो आइए फटाफट खबरों पर नजर डाल लेते हैं। ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का नब्बान अभियान जारी, भाजपा कार्यकर्ताओं की पुलिस से हुई झड़प, रानीगंज रेलवे स्टेशन पर लगाए बैरिकेड्स। तेलंगाना के सिकंदराबाद में इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम में आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू, हादसे में 8 लोगों की मौत, पीएम नरेंद्र मोदी ने हादसे में उतार दुख। गोरखपुर में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ महाराज की 53वीं पुण्यतिथि, श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन, सप्त दिवसीय पुण्यतिथि समारोह में सीएम योगी हुए शामिल। लखनऊ में तेज रफ्तार का कहर जारी, तेज रफ्तार के कारण डिवाइडर पर चढ़ा चार पहिया वाहन, आगे से हुआ क्षतिग्रस्त, सर्जिकल हॉट डिपार्टमेंट के सामने का मामला। यूपी के लखनऊ में दर्दनाक हादसा, निर्माणाधीन इमारत की शटरिंग गिरने से दबे 5 मजदूर, 1 मजदूर की मौत, 4 घायल, सीएम योगी ने मुआवजे देने का किया ऐलान। कासगंज में विद्युत विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन, सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जताया विरोध, ऊर्जा मंत्री को भेजा 10 सूत्रीय मांग का पत्र। जालौन में ओला कंपनी की एजेंसी दिलाने के नाम पर युवक के साथ ठगी, 28 लाख की ठगी के आरोपी गिरफ्तार, महिला सहित 2 ठगों को बिहार से किया गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी के मैलानी में छात्र से किया कमाल, 3000 के खर्चे में कबाड़ के खरीदे गए सामान को की बाइक तैयार, 1 लीटर पेट्रोल में करीब 120 किलोमीटर चलती है बाइक। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के बयान पर सीएम धामी की प्रतिक्रिया, मदरसों की जांच कराने के बयान पर धामी ने दी प्रतिक्रिया, कहा सच सामने आने के लिए जांच आवश्यक। देहरादून में डेंगू से बचाव के लिए जारी गाइडलाइन का उल्लंघन, शहर के 14 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी, जिलाधिकारी के निर्देश पर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने मांगा जवाब। छत्तीसगढ़ के मैनपाट में तेज आंधी के साथ बरसे बादल, बारिश की वजह से जनजीवन हुआ प्रभावित, तेज आंधी और बारिश के चलते इलाके में बिजली गुल। 3 जिलों के दौरे पर सीएम अशोक गहलोत, नागौर और दूदू पहुंचकर मुख्यमंत्री ने ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का किया अवलोकन, कई विकास कार्यों का लोकार्पण। जयपुर की मानसरोवर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1.5 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले छात्र गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेज तैयार का मकान बेचकर थी धोखाधड़ी। जयपुर के ज्योति नगर थाना इलाके में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 14 हुक्का पाइप, 2 दर्जन फ्लेयर के डिब्बे समेत तंबाकू उत्पाद जब्त, हुक्का बार संचालक सहित 2 गिरफ्तार। जयपुर के कानोता थाना इलाके में पुलिस वाले की गुंडागर्दी, मामूली विवाद के चलते पड़ोसी की डंडों से की पिटाई, पड़ोसी के घर के बाहर कचरा फेंकने पर हुआ था विवाद। जालौर के सायला में युवक ने लगाई फांसी, निजी विद्यालय के बाहर पेड़ पर लगाई फांसी, आत्महत्या के कारणों के पड़ताल में जुटी पुलिस। नागौर की कुचामन सिटी में सड़क हादसा, निजी बस स्कूल बस में हुई टक्कर, हादसे में यात्रियों और स्कूली बच्चों को आई मामूली चोटें। झुंझुनू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राकेश झाझड़िया हत्या का मामला, मामले का एक आरोपी गिरफ्तार, एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी, फरार आरोपियों पर 5-5 हजार का इनाम घोषित करेगी पुलिस। टोंक के चांदसेन बांध में डूबने से 35 वर्षीय युवक की मौत, सूचना पर मौके पर पहुंची डिग्गी पुलिस, ग्रामीणों की सहायता से शव को निकाला बाहर, जांच में जुटी पुलिस। सीकर के दाता रामगढ़ में बढ़ती चोरियों को लेकर आक्रोशित लोग, पुलिस थाने के सामने कर रहे धरना प्रदर्शन, मौके पर भारी पुलिस जाप्त तैनात। नागौर की मेड़ता सिटी के फैंसी स्टोर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक, लाखों का हुआ नुकसान, फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। जोधपुर के लूणी में अध्यापकों की कमी के चलते छात्राओं में रोष, धुनांडा के राजकीय बालिका विद्यालय में किया विरोध प्रदर्शन, जल्द से जल्द अध्यापकों को लगाने की मांग। जोधपुर में डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की मौत का मामला, हॉस्पिटल के बाहर परिजनों का धरना प्रदर्शन जारी, अस्पताल प्रशासन पर तुरंत कार्रवाई की मांग। श्रीगंगानगर के हुनतपुरा स्कूल पर ग्रामीणों ने जड़ा ताला, स्कूल में हुई चोरी को लेकर धरने पर बैठे थे ग्रामीण, चोरों को नहीं पकड़ने पर ग्रामीणों में आक्रोश। जयपुर के लांगड़ियावास में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, कचरा प्लांट की आड़ में सरकारी जमीन पर किया जा रहा अवैध खनन, सरपंच ने दर्ज कराई रिपोर्ट। धौलपुर में चमचल नदी होने के बावजूद भी प्यासे शहर के लोग करीब 1 महीने से पेयजल किल्लत से जूझ रहे हैं लोग, जलदाय विभाग कार्यालय पर किनारेबाजी। बालोतरा में खेती के लिए किसानों का नवाचार, अनुभव के आधार पर कर रहे नवाचार, कलम विधि से बड़े बोर की झाड़ी में बदली घरेलू बोर की झाड़ी। नागौर के भिरुंदा में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का हुआ आयोजन, विधायक विजयपाल मिद्रा ने ध्वजारोहण कर दिया शुभारंभ, प्रतियोगिता में करीब 1318 खिलाड़ी लियो ने लिया भाग। जालौर के रानीवाड़ा में ग्रामीण ओलंपिक खेलों के प्रति बुजुर्गों का जज्बा, 65 वर्षीय उप प्रधान ने प्रतियोगिता में लिया भाग, अपनी टीम को दिलाई जीत।
जोधपुर के लूणी में ब्लॉक स्तरीय ओलंपिक खेलों का शुभारंभ। कबड्डी मैच के दौरान एम्पायर पर गलत निर्णय का आरोप। सरेचा टीम ने की दोबारा मैच कराने की मांग। साधुकला में हजरत दुर्गेश गरीब अली शाह नौ गुंडो दरबार का छठा हुआ चालू। चार दिवसीय उर्स में हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। बूंदी के पशुधन सहायकों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। पशुधन सहायकों को नियुक्त करने की मांग को लेकर पशुपालन मंत्री को भेजा ज्ञापन। बारा के शाहबाद में मवेशियों से लंपी वायरस की दस्तक। सहरोल तलहटी गांव में पशुओं में मिले लंपी रोग के लक्षण। ग्रामीणों ने की पशुओं को वैक्सीन लगवाने की मांग। मंडावा में लंपी बीमारी रोकथाम के लिए यज्ञ आयोजित। टीकम दास आश्रम में शुरू हुआ सात दिवसीय यज्ञ। कामधेनु नक्षत्र गौ सेवा समिति की ओर से आयोजित। झुंझुनू में सामाजिक संस्था एपर्ट्स का स्थापना। प्रतिभावान बच्चों को दिए गए स्कॉलरशिप के चेक। आरपीएससी के पूर्व सदस्य केएल बैरवा रहे मुख्य अतिथि। फिलहाल के लिए एवं तेज में इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एवं टीवी। नमस्कार।